What can be referred to as an outright insult, Rashtriya Lok Samta Party MLA Lalan Paswan is seen asking uncomfortable questions to a rape victim's friend in order to inquire about the horrific incident. A video of the episode has surfaced in which the MLA from Hajipur is seen asking the girl's friend to describe the incident. He also inquired details of the condition in which she found her friend was raped. साइड जो है उत्तर साइड है, दक्षिण साइड होता तो कहीं देख भी लेती। इसका मतलब कि पहले से कहीं ना कहीं सेटिंग था, उसको बुला के नीचे लाया गया, तब उसके साथ गैंगरेप हुआ। इसलिए बात स्पष्ट है कि यहाँ व्यवस्था में प्रशासन के लोग चूक डाली है, कल्याण पदाधिकारी और पूरी शिक्षकों का, लड़कियों से भी सही सही बात पूछी जाए, क्योंकि लड़कियाँ बता रही हैं नहीं है, लेकिन इससे पूछी जाएगी। हमको अगर मौका मिले सबसे बार बारी से बात करने, तो अपराधी पकड़ा जाएगा। अपराधी पकड़ाएगा किसे? दुनिया में कोई लादेन पकड़ा गया, अपराधी किसे नहीं पकड़ाएगा? देखिए, जो वीडियो है उसको तोड़ मरोड़ दिया गया। मैंने पहला सवाल किया कि सुसाइडल है तो छत पर से गिरी है बेटा, यही मैंने पूछा। और ढकेला होगा तो 10 फीट बाहर गिरना चाहिए। मैं यहाँ तो हमने ये पूछा कि ब्लड मुंह से निकला कि पीठ से निकला, कैसे गिरी, तो हाथ टूटा, क्या टूटा, उसको ऊपर से काट दिया गया और ब्लड की चर्चा की जा रही है।
मैंने ऊपर से जब गिरी, अगर छत से गिरी, अगर डेथ है, सुसाइडल है, तो मैं ये सवाल किया, ऊपर से काट दिया गया कि ऊपर से डेथ की बात हटा दिया गया। अब देखा गया कि ललन पासवान जी ने पूछा कि ब्लड कहाँ से गिरा, जो पूरी तरह गलत है। मैंने पूछा है कि सुसाइडल है, अगर मर्डर है तो या तो कोई ऊपर से ढकेला, नहीं तो ऊपर से कूद के जान दी होगी। तो मैंने पूछा कि बेटा ये बताओ कि ऊपर से गिरी तो उसका कपार फूटा, मुंह से ब्लड, ये ब्लड, ये शब्द का इसको काट दिया, और कहा कि ललन पासवान जी ने पूछा कि ब्लड कहाँ से निकला, तो ये शब्द का काट के और उसको वायरल किया गया। मैंने वीडियो को तोड़ मड़ोड़ को काट दिया गया, और काट के उसको कहा कि ललन पासवान जी ने गलत सवाल पूछे बच्चे। मैंने फिर एक दूसरा सवाल पूछा, तब उसने लड़की ने कहा कि बेटा, हमने कि बेटा ये बताओ कि तुम लोगों ने क्या देखी। तो कहे कि सर हम लोग को 10:30 बजे रात में पता चला, वो चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, तो हम लोग जैसे नीचे जा रहे थे वैसे बिजली कट गई, तो हम लोग भाग के ऊपर चले आए। तो हमने कि सवेरे तुम लोग क्या देखी। सर हम लोग सवेरे नीचे देखे कि उसका पूरा कपड़ा ये था और कमर से नीचे ब्लड था, से ऊपर माथा नहीं फूटा था ना हाथ टूटा था, ये बात है। और उसको कहा जा रहा है कि ललन पासवान जी ने गलत है। हमने कि बेटा अगर नहीं बताओगे तो अपराधी नहीं पकड़ाएगा, कल दूसरी बच्चियों के साथ इस तरह की घटना घट सकती है। ये बात मैंने पूछा और उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो जिस ढंग का बयान दिया है घोर आपत्तिजनक है। इससे कोई आपत्तिजनक बात हो सकती है? बच्चों के साथ जिस ढंग का उन्होंने सवालात पेश किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में साफ दिशा निर्देश दिया है। अगर लोक लाज थोड़ा सा भी है तो अविलंब माफी मांगनी चाहिए और पार्टी को और एनडीए को कार्रवाई करनी चाहिए। ये दलित बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ और जिन लोगों ने किया वो कानून के अनुसार नपे जाएंगे। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है क्या? एमएलए है तो भगवान हो गए हैं। जिस ढंग का उन्होंने की बातचीत की है निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी को और एनडीए को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो अभी बोल रहे हैं कि मैंने कोई ऐसा बात नहीं बोला, माफी क्यों मांगू मैं? मैंने बार बार पूछा फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो क्या इसके खिलाफ जेडीयू क्या करेगी? हमारी क्या सरकार की तरफ से भी कोई केस दर्ज होगा दलित उत्पीड़न को लेकर? अब देखिए, हमारी पार्टी जनता दल यू रूल ऑफ लॉ में भरोसा करती है। अगर कोई भी परिवार इस ढंग की आपत्ति व्यक्त करेगा तो निश्चित कानून अपना काम करेगा। ऐसे इन तमाम मामलों को हम लोग देखेंगे सरकार, राज्य सरकार के स्तर पर, लेकिन लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। अगर ये बुनियाद खत्म हो गई तो कैसा सुशासन है, कैसा देश के अंदर बेहतर प्रबंधन देने की बात है। इसलिए एनडीए को अविलंब इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए। यू कैन वॉच लाइव टीवी ऑन आवर वेबसाइट mbnow.in। फाइंड अस ऑन फेसबुक facebook.com/magicbricksnow। And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter @MagicBricksNow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/MagicBricksNow.